भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी आज पदभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के लिए भाजपा मुख्यालय में सीपी जोशी का भव्य स्वागत किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली से रवाना हो गए हैं और जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से संवाददाता लीलाधर कुमावत फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। लीलाधर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा मुख्यालय में कुछ ही देर में सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से वरिष्ठ नेता भाजपा के वहां पर मौजूद है और जानकारी है कि वसुंधरा राजे भी वीसी के जरिए जुड़ेंगी। लीलाधर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा मुख्यालय में सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं, जहां जोरदार उनका स्वागत जगह जगह किया जा रहा है, इसी के साथ ही कौन कौन से भाजपा के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं और जानकारी सामने आ रही है कि वीसी के जरिए वसुंधरा राजे भी जुड़ने वाली हैं। जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष और जो सांसद है सीपी जोशी, उनका पदभार ग्रहण है अभी दोपहर 12:40 जो यहाँ पे पदभार ग्रहण की जाएगी। हम यहाँ पे नेताओं से बात करना चाहेंगे, राजस्थान कला संस्कृति के माध्यम से यहाँ पे बात करना चाहेंगे। हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे जो प्रदेश महामंत्री है, आप यहाँ पे आए हैं सीपी जोशी के प्रोग्राम में, युवाओं को मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे? हम आपको पता है परिवर्तन नियम है, पहले भी जो हमारे प्रदेश आदरणीय सतीश जी पूनिया थे, उन्होंने भी उनका कार्यकाल, मैं कह रही हूँ इस हिंदुस्तान में सबसे अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो उन्होंने नेतृत्व है वह हमारे आदरणीय सीपी जोशी जी को दिया है, उनके कंधों पे दिया है, युवाओं को मौका दिया है, तो ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। महिला मोर्चा के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर? नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी का स्वागत है, अभिनंदन है। पार्टी की एक व्यवस्था है जिसके तहत हम सब मिलकर के काम करते हैं और आगे निरंतर पार्टी सत्तारूढ़ हो राजस्थान में और भारत केंद्र में भी, इसे तो सब मिलकर काम करेंगे। कहना था कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, उनमें युवाओं को मौका दिया जा रहा है, हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे। सर, आप यहाँ पे आए हैं नए युवक प्रदेश सीपी जोशी के पदभार ग्रहण में, युवाओं को मौका दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं का मौका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे बढ़ेगा और निश्चित टाइम में आने वाले 7-8 महीने में चुनाव है, सीपी जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। ये कहना था सीपी जोशी के माध्यम से यहाँ पे जो युवाओं को हम यहाँ पे और भी आगे बात करना चाहेंगे नेताओं से, यहाँ पर जो अशोक लाहौटी है, जो सांगानेर विधानसभा से जो एमएलए है वो भी खड़े हैं, हम यहाँ पे उनसे बात करना चाहेंगे। सर, यहाँ पर सर आप लोग यहाँ पे आए हैं, युवाओं को आज मौका दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता खड़े हैं, मैं मानता हूँ कि सीपी जोशी जी के अध्यक्ष बनने के बाद युवा कार्यकर्ताओं का एक उत्साह का नया संचार हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत फायदा मिलेगा। लाहौटी जी से बात करना चाहेंगे, युवाओं को मौका दिया गया, विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि अध्यक्ष युवा है तो राजस्थान के युवाओं में एक नई क्रांति आएगी और कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर भेजेंगे। अपेक्षित है वही लोग जो प्रदेश के नए जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है उनके माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि आंगना में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव है, हम सब व्यवस्था का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी को खड़े पड़ेंगे। अभिनेश जी, आप यहाँ पे आए हैं, युवाओं को मौका दिया गया पहली बार, क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सभी नेतृत्व एक साथ मिलकर के जो कांग्रेस की नाकारा सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है।
ओम माथुर जी जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर और भी नेता हैं सर, कांग्रेस पार्टी की 2023 चुनाव में एक वापसी की जाएगी, सत्ता से वापस किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले राजस्थान के कोने कोने में उत्साह है और उत्साह से मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 3/4 से राजस्थान में वापसी करने वाली 2023 में और 25 के 25 लोकसभा सीट भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीतने वाले हैं। आज हमारे नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का पदभार ग्रहण में जिस प्रकार का कार्यकर्ता का उत्साह सारे दिख रहा है जयपुर की सड़कों पर और दिल्ली के प्रवेश द्वार से लगा के यहाँ तक जैसा उत्साह, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में 3/4 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये चुनाव जीतने वाले हैं। ये कहना था विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को एक स्थान की जो दिलाया जाएगा, युवाओं को मौका देगा। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ पे जो देख सकते हैं भीड़ भाड़ का माहौल देख सकते हैं, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आर्ट कल्चर के माध्यम राजस्थानी कला संस्कृति के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है। आप यहाँ पे कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करना चाहेंगे, यहाँ पर और भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ का माहौल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो भाजपा कार्यालय पे यहाँ पे देखा जा रहा है। मैडम आप यहाँ पे आए हैं, युवाओं को मौका दिया गया है, महिलाओं के नाते क्या कहना चाहेंगे? आज महिला मोर्चा यहाँ पे सभी एकत्रित हुई है क्योंकि आज हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी आज यहाँ पधार रहे पदग्रहण समारोह के लिए और उनका हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि राजस्थान की जो सरकार है उनका बहुत अच्छे से हम संभालेंगे और हमारी यही हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लगता है कि अब जो युवाओं को मौका मिला है जो आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, युवाओं को मौका मिलेगा क्योंकि हमारे मोदी जी की भी यही सोच है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें यही उम्मीद है कि युवाओं को मौका मिलेगा। ये कहना था महिलाओं का कि यहाँ जो महिलाओं के जो राजस्थान की सरकार में चल रहे थे उनको देखते हुए जो राजस्थान सरकार को खड़ा करने का काम किया जाएगा और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है एकजुट होकर एकता का प्रतीक कर रहे हैं। जहाँ तक कि गुटबाजी की बात की जाए, गुटबाजी कहीं नहीं दिखाई दे रही है वसुंधरा राजे। चलिए इसके साथ निराधर ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने दिखाया अभी दर्शकों को कि काफी संख्या में यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद है, अगर यहाँ पर बात करें सतीश पूनिया की तो वो पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं, अब सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष आएंगे, तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है, उसके ऊपर क्या कुछ इसका असर देखने को मिल सकता है? ये संतों का मंच है, आपसे आग्रह है, विनम्र आग्रह है। भाजपा मुख्यालय में आज नए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का जोरदार स्वागत होगा, जहां पर हमारे संवाददाता लीलाधर ने हमें दिखाया कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में महिला वर्ग यहां पर मौजूद है। तो वहीं आपको बता दें कि कई भाजपा के वरिष्ठ नेता पदभार ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, इसी के साथ ही वसुंधरा राजे भी वीसी के जरिए जुड़ेंगे।